बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज बिल की एंट्री हम कैसे करते हैं। परचेज बिल के अंदर हमारे पास तीन तरीके के बिल आ सकते हैं। सबसे पहले या तो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया हो या ट्रेडिंग के लिए गुड्स परचेज किए हो। सेकंड है कि हमने कोई फिक्स्ड असेट परचेज की हो। फिक्स्ड असेट के अंदर हमारी लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट के अंदर आते हैं। लास्टली हो सकता है कि हमने किसी से सर्विस परचेज की हो। तीनों ही केस के अंदर हमारे पास परचेज बिल आएगा। हम तीनों के बारे में जानेंगे कि कैसे इनकी एंट्री की जाती है। सबसे पहले जानते हैं, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया या कोई गुड्स परचेज किए तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt F9, परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी डेट परचेज बिल के ऊपर होगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। परचेज बिल का नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। परचेज टाइप हमारी क्या है, लोकल है या इंटरस्टेट है, और जो आइटम हमने परचेज की है उस पर कितना टैक्स है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी से वो बिल आया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। जो भी आइटम हमने परचेज की है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। क्वांटिटी और रेट बताएंगे। F2 प्रेस करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर बिल के अंदर फ्रेट चार्जेस ऐड हैं तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे। अगर पार्टी के ऊपर TDS एप्लीकेबल है तो उसका TDS हम यहीं पर डिडक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर हमारी आ जाएगी। F2 प्रेस करेंगे और इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हमने फिक्स्ड असेट परचेज की तो इस केस के अंदर हम परचेज बिल की एंट्री कैसे करेंगे। Alt 7 हम प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। परचेज बिल की डेट हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर वाउचर नंबर डालेंगे। GST नेचर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे फिक्स्ड असेट को। टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद दोबारा डेबिट करेंगे टैक्स को। अगर फिक्स्ड असेट हमारी किसी दूसरे स्टेट से आई है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे IGST। वहीं इसको अगर हमने लोकल से परचेज किया है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे CGST। CGST के केस में हमारा SGST अपने आप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे पार्टी के नेम को। जो भी बिल की टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम सेव करेंगे। यहाँ पर हम परचेज इनवॉइस नंबर डाल देंगे। ये हमारी परचेज बिल डेट है। HSN कोड हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम यूनिट स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, GST कितना परसेंट एप्लीकेबल है और कितना टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे। अब F2 प्रेस करके इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमने जान लिया है कि कैसे हम अपने गुड्स परचेज का बिल एंटर करते हैं और कैसे फिक्स्ड असेट परचेज का बिल हम एंटर करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम सर्विस परचेज का बिल एंटर करते हैं। वापस से हम जनरल वाउचर ओपन करेंगे, डेट और वाउचर नंबर हम बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B। जो भी हमारा सर्विस चार्ज है उसको हम डेबिट करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। वापस से डेबिट करेंगे टैक्स को। इसके बाद जहाँ से हमने सर्विस को लिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बिल का टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। इस वाउचर को हम सेव करेंगे। परचेज इनवॉइस नंबर बताएंगे। परचेज बिल डेट हमारी यहाँ पर आ रही है। HSN कोड, इसके बाद यूनिट हम यहाँ पर बता देंगे। मैक्सिमम सर्विस के केस में यहाँ पर NA ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट,
वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर इनपुट सर्विसेज हमारा सिलेक्ट रहेगा, F2 प्रेस करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे हम परचेज बिल की एंट्री बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।